जॉन अब्राहम की नई फिल्म वेदा 15 अगस्त को रिलीज हो गई है। जॉन लंबे समय से एक्शन फिल्में करते आ रहे हैं और वेदा में भी वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्य घटना पर आधारित फिल्म वेदा को सेंसर बोर्ड से काफी मशक्कत के बाद सर्टिफिकेट मिला था। एक यूजर ने लिखा कि कहानी अनुसूचित जाति की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो मुक्केबाज बनना चाहती है। अपने परिवार की लगाई गई बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद वो अपने सपनों को नहीं छोड़ती और इस प्रक्रिया के दौरान उसकी मुलाकात एक कोर्ट मार्शल आर्मी मेजर से होती है जो उसके सपनों को पूरा करने के मिशन में शामिल हो जाता है। जॉन अब्राहम के एक्शन सीन देखने में काफी मजा आया। कोई तो रक्षक चुनी होगी। मैया रानी हम सबरे वास्ते अने नहीं जावे कोई रक्षक। कर हो कोई ऐसा जो पैर रे तलवाने रूहे का दबाव बना दे। मेजर अभिमन्यु कन्वर, 11 गोरखा राइफल्स के अफसर को ऑर्डर्स ना मानने के लिए तुरंत कोर्ट मार्शल का निर्देश देता है। एक को सिर्फ एक का साथ मिल जाए तो वो अकेला नहीं रहता। सीधा चलने में 2 हफ्ते लगेंगे। मैं तो 2 साल तक यही हूँ। आपका ट्रांसफर हो रहा है। छलांग मारना आता है? मना किया था ना, क्यों आए हो? वादा किया था। जात पात के प्रबंध का मैं भी सम्मान करता हूं। यही सृष्टि का विधान है। ये सारे नियम कानून उसने बनाए हैं। क्यों पैरों में शूट रहे? नीचे देख। तो फिर लॉ क्यों पढ़ते? कॉन्स्टिट्यूशन की कसम क्यों खिलाते? सीधे अरेंजमेंट क्यों नहीं समझा देते? झगड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। तेरे पास 2 रास्ते हैं, सुलह या जंग। तथास्तु।